मेरठ में आज सर्किट हाउस पहुंचे उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने सर्किट हाउस पहुंचकर पार्टी की और जनता के सामने अपने विकास कार्य की घोषणा की। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में काफी योजनाओं को लागू किया गया है। सरकार योजनाओं पर कार्य भी कर रही है। मेरठ में भी विकास योजनाओं को लागू किया गया, जैसे सड़क निर्माण और योजनाओं में भी काफी योजनाओं को सुचारू किया गया है। इन योजनाओं का जनता लाभ उठा रही है। संवाददाता शहजाद की रिपोर्ट। आगमन पर यहाँ की 450 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। कई नए मार्गों के निर्माण किए जाने की घोषणा हुई है। एक तरह से 2 महीने के अंतराल में ही, जब मैं पिछली बार आया था तो 1400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था। आज फिर लगभग 450 करोड़ अर्थात लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाएं अकेले मेरठ मंडल के खाते में मैं 2 महीने के अंदर दे चुका हूँ। यहाँ की जनता को मैं बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से लगातार विकास करना हमारी सरकार का संकल्प है। हर गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ना हमारा संकल्प है। हर ब्लॉक को तहसील से जोड़ना संकल्प है। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का संकल्प है। राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से भी कई प्रकार की परियोजनाएं मेरठ मंडल में चल रही हैं, प्रदेश में चल रही हैं। लगभग 2000 की संख्या में लघु दीर्घ सेतुओं का निर्माण किए हैं। कई रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किए हैं। जो काम सपा बसपा की सरकार अधूरा छोड़ के गई थी, उसे भी पूरा करने का काम किए हैं। हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास है। 2022 के चुनाव जैसे जैसे अब निकट आ रहे हैं, हमारे विपक्षी साथी भी बहुत सारे तमाम प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन यह मैं मेरठ की धरती से या भारत की भूमि से या पूरे विश्वास से कह करके जा रहा हूँ, जितनी बड़ी विजय 2014, 17 और 19 में हमें मिली है, सारे विरोधी दल एक साथ हो जाएंगे तब भी 300 से अधिक सीटें एक बार फिर से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। गुंडागर्दी की वापसी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार की वापसी नहीं होने देंगे, जातिवाद की वापसी नहीं होने देंगे। हम विकास के पथ पर प्रदेश को आगे ले जाने का। मंत्री जी, एक सवाल है। आपका नारा है कि सरकार का संकल्प सड़कों का हो पाया कल, लेकिन मेरठ शहर के अंदरूनी हिस्सों का हाल ऐसा है कि सड़कों का हाल बेहाल है। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देता इस ओर। ऐसा नहीं, देखो आप जो कह रहे होंगे, मैं नहीं कहता हूँ कि हर सड़क हमारी एकदम पूरा एक्सप्रेस वे बन गया है। उसको लगातार बनाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले और 2017 के बाद